जामुल थाने के स्टाफ द्वारा थाना प्रभारी याकूब मेनन के नेतृत्व में गुरुवार रात थाना क्षेत्र में पैदल मार्च किया गया। कई स्थानों में दबिश दी गई, आवारा घूम रहे लोगों को समझाइश देने के साथ वाहनों की चेकिंग की गई। जामुल थाना क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही असामाजिक तत्वों की धरपकड़ भी की जा रही है। इसी के तहत जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन द्वारा लगातार क्षेत्र में पैदल मार्च किया जा रहा है। असामाजिक तत्वों के ठिकानों में दबिश देकर असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। पुलिस द्वारा गुरुवार रात पैदल मार्च निकालकर संपूर्ण थाना क्षेत्र का भ्रमण कर वाहनों के दस्तावेजों की भी जाँच की गई। बेवजह रात में घूम रहे लोगों को समझाइश देकर छोड़ा गया। पैदल मार्च की जानकारी जामुल थाना प्रभारी याकूब मेनन ने दी। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन पे असामाजिक तत्वों की धरपकड़ हेतु कल समुचित बल के साथ में थाना क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में पैदल भ्रमण किया गया। असामाजिक तत्वों की चेकिंग संदिग्ध चेकिंग की गई। तत्पश्चात छावनी चौक में लगातार सघन वाहनों की चेकिंग की गई। 3 सवारी बिना हेलमेट बिना नंबर वाहनों पर चलाने की गई है और बहुत सारे लोगों को समझाइश दिया गया है। यह अभियान लगातार जारी रहेगा। सर, जामुल थाना क्षेत्र अंतर्गत कबाड़ी और सट्टा भी पूर्व में संचालित रहा है, अब क्या स्थिति सर? अभी सारा नियंत्रण में है, लगातार कार्रवाई की जा रही है, इसलिए कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। बहरहाल जामुल पुलिस की सख्ती से क्षेत्र में असामाजिक गतिविधियों में संलग्न लोगों में दहशत है। विशेषकर सट्टा और कबाड़ के अवैध कारोबार में संलग्न लोग भूमिगत हो चुके हैं। पुलिस ने इस अभियान को लगातार जारी रखे जाने की जानकारी दी है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।